हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आपको पता ही, हमने SI फाइनेंस के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलाई है, जिसमें एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और उसके बाद जितने भी सेक्शंस हैं उसमें सभी पे मॉक टेस्ट आएंगे। तो आज का जो रहने वाला वो रहने वाला है GK विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। ये रहेगा पूरे 20 मार्क्स का। इसमें आपको कुछ इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ मॉडरेट और कुछ हार्ड। तो आपको करना ये है कि आपने इसमें 18 प्लस स्कोर करने की कोशिश करनी है। अगर जिसमें आप 18 प्लस स्कोर करते हो तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज? कौन से पहले ऐसे आदमी थे कश्मीर के जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था कश्मीरी लैंग्वेज के लिए? तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? तो अगर किसी ने भी इसका आंसर दिया है बी जिंदा कौल, तो जिंदा कौल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज वाज जिंदा कौल, तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ पुरस्कार रहमान राही, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ J&K कन्वर सिंह, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर टू विजिट कश्मीर ह्यून सैंग, फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर दीवान मोतीराम, फर्स्ट डोगरा किंग ऑफ कश्मीर गुलाब सिंह। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की जिसको कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स? तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका? अगर आपने राइट आंसर दिया है डी गुलमर्ग, तो बिल्कुल सही, गुलमर्ग को कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स, तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, वो पढ़ लेते हैं। वैनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है श्रीनगर को, जम्मू हिल्स कहा जाता है शिवालिक हिल्स को, गेटवे जम्मू कश्मीर कठुआ, और स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया कश्मीर, मीडो ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर श्रीनगर, अबोर्ड ऑफ पेरिस परी महल, और सुप्रीम जैम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक कहा जाता है मनसाबल लेक को। क्वेश्चन नंबर थ्री। इंपॉर्टेंट जो बुक्स रहती हैं J&K कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड, उनमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हु रोट द बुक तारीकी हसन? तारीकी हसन नाम की बुक जो है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन है बीरबल कचरू, एस्टीन, शरीफुद्दीन और पीर हसन शाह। इनमें से राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो अगर इसका आपने आंसर दिया है डी पीर हसन शाह, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तारीकी हसन वाज रिटन बाय पीर हसन शाह, तो इसका राइट आंसर डी रहने वाला है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ लो। राज तरंगनी जो थी कल्हाना ने लिखी थी तारीख़ कश्मीर मालिक हैदर, और वाकत कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद। चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पे। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ शालीमार एंड निशात गार्डन इन कश्मीर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले देता है। तो अगर इसका आंसर आप कर पा रहे हो बी जहांगीर, तो जहांगीर इसका राइट आंसर रहने वाला है। जहांगीर लेड दी फाउंडेशन ऑफ शालीमार एंड निशात गार्डन कश्मीर में, तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। विच अमंग दी फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? कश्मीर की हिस्ट्री से कौन सी बुक रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है राज तरंगनी। जो राज तरंगनी बुक थी ये किसने लिखी थी, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। वट वॉज दी रीन पीरियड ऑफ क्यून ऑफ कश्मीर दिद्दा? जो क्यून दिद्दा थी कश्मीर में, उनका जो रीन पीरियड था वो क्या था, ये आपने बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इसमें आप आंसर कर पा रहे हो सी 958 AD 2003 AD, तो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है सी पार्ट। सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेवन। कश्मीर एंड कारगिल आर कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? कश्मीर और कारगिल जो हैं, कश्मीर और कारगिल ये कौन से पास के थ्रू कनेक्टेड हैं? कश्मीर और कारगिल, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका अगर आपने आंसर दिया है डी पेंसिला पास, तो बिल्कुल सही। कश्मीर और कारगिल जो हैं ये कनेक्टेड हैं पेंसिला पास से, डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे। दी कारेवा साइल ऑफ कश्मीर रेफर टू बिच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट्स? कारेवा साइल हैं जो, वो कौन से टाइप ऑफ डिपॉजिट को रेफर करते हैं? आई होप कि आपने आंसर सही दिया होगा। इसका आंसर है सी लैक्यूस्ट्राइन, तो सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पासिस कनेक्टेड हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सा एक ऐसा पास है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ता है? इसका आंसर अगर आपने दिया ए
बारह लच्छा पास, तो बिल्कुल सही, बारह लच्छा पास जो है वो कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर को। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन विच ईयर अकबर अनेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर टू मुगल एम्पायर, कौन से ईयर में अकबर ने अनेक्स्ट किया था कश्मीर को मुगल एम्पायर में, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका अगर आप आंसर कर पा रहे हो डी 1586, तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट फीमेल पोइट ऑफ कश्मीर, किसको कहा जाता है कश्मीर की फर्स्ट फीमेल पोइट, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर अगर आप दे पा रहे हो बी लाल देद, तो बिल्कुल सही, लाल देद वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फीमेल पोइट ऑफ कश्मीर, और इनका रियल नेम जो था वो था लालेश्वरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज स्टार्टेड इन, जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड था ये कब स्टार्ट हुआ था, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। अगर इसमें आप आंसर दे पा रहे हो सी 2009, दी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज स्टार्टेड इन 2009, तो बिल्कुल सही, सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर की, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका अगर आप आंसर दे पा रहे हो बी शोपियां, तो बिल्कुल सही, ये हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लोकेटेड है शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच रिवर इज नोन एज वित्सता इन कश्मीर, कौन सी रिवर को कहा जाता है वित्सता इन संस्कृत में, कौन सी रिवर को वित्सता कहा जाता है संस्कृत भाषा में, तो इसको कहा जाता है झीलम को, थ्री इसका राइट आंसर रहने वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसको ग्रीक में क्या कहा जाता है और उसको वो नाम किसने दिया था, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेक से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, कौन से लेक को कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, इसका राइट आंसर अगर आप दे पा रहे हो वन, ऑप्शन नंबर वन मनसावल लेक, तो बिल्कुल सही, मनसावल लेक को कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। क्वेश्चन नंबर 16, सैफरन ब्लूमिंग अकर्स इन डैश सीजन, जो सैफरन है इसकी ब्लूमिंग कौन से सीजन में होती है, इसका राइट आंसर रहने वाला है थ्री ऑटमन, सैफरन ब्लूमिंग अकर्स इन ऑटमन, तो थ्री ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहने वाला है। हु इज नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर को किसको कहा जाता है, हु इज नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। रसूल मीर जो थे इनको कहा जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, और इनको एक और कहा जाता है फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स अलॉन्ग विद महमूद कमी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए रसूल मीर। चलो, तो इंपॉर्टेंट पर्सन जो है लाल देद लालेश्वरी, फर्स्ट मुस्लिम सेंट जिनको ऋषि कहा गया था वो थे शेख नूरुद्दीन वली, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, हब्बा खातून, रसूल मीर फादर ऑफ कश्मीरी गजल, जिंदा कौल फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी पुरस्कार, और रहमान राय फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। महाराजा गुलाब सिंह साइन ट्रीटी ऑफ कश्मीर अमृतसर ऑन विच डेट, महाराजा गुलाब सिंह जी थे जो उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी कौन सी तारीख को, इसका आंसर अगर आप दे पा रहे हो सी मार्च 16, 1846, तो सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और आपको एक क्वेश्चन इसके साथ और याद करना है कि महाराजा हरि सिंह ने जो ट्रीटी साइन की थी वो कब साइन की थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो वो साइन किया था उन्होंने अक्टूबर 26, 1947, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है। विच रिवर इज नोन एज जे एंड के इन सूर्यपुत्री, कौन सी रिवर है जे एंड के की जिसको सूर्यपुत्री कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है थ्री, तवी को कहा जाता है सूर्यपुत्री। आज इसका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, जो सुंगा डायनेस्टी थी इसके फाउंडर कौन थे, इसका राइट आंसर अगर आपने दिया वन, तो बिल्कुल सही, पुष्यमित्रा सुंगा इज द राइट आंसर। तो हमारा जो ये सेशन था ये ख़त्म हुआ 20
क्वेश्चंस फॉर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही टॉपिक पे, जितने भी टॉपिक हैं ऐसे फाइनेंस के, जीके के, उन पे वीडियो मॉक टेस्ट आपको छोटे छोटे चाहिए तो आप बता देना, आपको इसी चैनल पे वो मिल जाएंगे। इसके उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के प्रैक्टिस सेट आपको ढूंढ रहे हो आप, तो कुछ आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको रीजनिंग और इंग्लिश और जीके जीके के आपको PDF मिलेगा जिसमें 300 MCQs होंगे, रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें सारी रीजनिंग होगी, सबके क्वेश्चन होंगे 30-30, उसके बाद इंग्लिश का भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आपको अगर ये तीनों चीज़ें चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए MCQs फॉर्म में, तो वो बता देना, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।